नमस्कार, मार्केट अपंच नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज वॉलेटाइल सेशन कह सकते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा चॉपी ट्रेड, फर्स्ट हाफ में बिकवाली थी, लोअर लेवल्स दिखाए इंडिसीज ने, फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी लास्ट आवर में आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर आज आईटी की तरफ से था, मेजर प्रेशर था, इनफैक्ट 1.5% के आसपास ही बिकवाली वहां से आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग सपोर्टिव थे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर वहां कामकाज था। मिड कैप इंडेक्स 1% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ, लास्ट आवर में एक अच्छी रिकवरी वहां पर देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज सुबह से ही जो रुझान था वो बेटर साइड पर था कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा। इसके अलावा ओवरऑल निफ्टी बैंक फ्लैट साइड पर कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और आज फेड का जो आउटकम भी आने वाला है तो उससे ठीक पहले मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल आज होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही हैं तो आज पावर स्पेस जोरदार तेजी में, तो टाटा पावर, NTPC, REC, PFC, आयरेडा सब में ही एक जोरदार तेजी। आयरेडा आज फिर अपर सर्किट लगा 10% की तेजी के साथ। अब ये करीब करीब 30 रुपये का इशू प्राइस और 110-120 रुपये की रेंज में कहीं पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो शानदार तेजी ऑलरेडी दिखा रहा है। इसके अलावा जो अपमूव था वो सेलेक्टिव फार्मा में, PSUs में, चाहे HPCL, BPCL देख लें या फिर बाकी PSUs देख लें पावर के अलावा, वहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। तो फार्मा, रियल्टी, PSU, ये तीन ऐसे NDCs से जो कि ज़ोरदार तेज़ी के साथ अभी कामकाज करते हैं आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑटो, मेटल, एनर्जी, यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा बहुत जो प्रेशर आज था वो था IT में और मोर लेस बैंकिंग में, लेकिन बैंकिंग फ्लैट था, IT में ज़्यादा प्रेशर था। तो एक तरफा सपोर्ट प्रेशर साइड पर IT की तरफ से आ रहा था, लेकिन बाइंग साइड पे जो लोअर लेवल से देखने को मिले उसमें FMCG पार्टिसिपेट कर रहा था, बढ़िया ऑटो में बाइंग थी एंड PSU तो आज ज़ोरदार तेज़ी के साथ कामकाज कर ही रहे थे। इसके अलावा जो स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, ऑर्डर विंस का इम्पैक्ट या फिर कह लीजिए ट्रिगर बेस्ड इवेंट, वॉल्यूम बेस्ड मोमेंटम, वो ज़रूर बना हुआ था। सेकेंड डे PI इंडस्ट्री आज फिर फॉल, 3.5% का डिक्लाइन, कल 10%, आज 3%, 13-14% नीचे वाइप आउट हो चुका है। इसके अलावा इवेंट और न्यूज़ बेस्ड में जो ट्रांस हार्बर लिंक्स रिलेटेड कंपनियां हैं वहाँ पर एक अच्छे अपमूव की खबरें आ रही हैं, लगातार वहाँ मूव बना भी हुआ है एंड अदरवाइज भी जहाँ इनसाइडर प्रमोटर बाइंग है वहाँ पर खरीदारी है। सो ऐसे इवेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड बाइंग थी। कैश मार्केट में अदानी समूह के शेयरों में भारी बिकवाली थी आज, ट्रांस एंड ऑल सब टूटे हुए थे। सो इस तरह के स्पेसिफिक स्टोरीज पे मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली वहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, परसों शुक्रवार है, उसके बाद अब हम धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली लास्ट वीक ऑफ द ईयर में जा रहे हैं। सो देखते हैं मार्केट कैसे कामकाज करता है, लेकिन हाँ लास्ट आवर में एक अच्छी रिकवरी आज मार्केट में देखने को मिली और स्ट्रेंथ जो है मार्केट की वो बरकरार है। जानकार मान रहे हैं कि 20,700 के आसपास का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। 20,950 जो आज हायर लेवल पर पहुँच भी गए वहाँ पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा 21,200 ये टारगेट्स हैं, ये आज सुबह ही बात हो रही थी, तो आप इनको अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए मेरे पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, पेटीएम सोल्ड या होल्ड? राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी का सवाल है, पेटीएम सोल्ड या होल्ड? तो गांधी जी देखिए, डिपेंड्स आपने किस भाव पे लिया है। एक बहुत क्लीन जवाब जो रहा है मेरा शुरू से कि जब तक लॉस कंपनी में है और इक्विटी इतनी बड़ी है तब तक उसे सर्विस करने की सिचुएशन मुझे क्लियर दिख नहीं रही है। वन, रिसेंटली बायबैक हुआ, लेकिन बायबैक में कुछ एग्जिस्टिंग बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करके गए कंपनी में से और उसके बाद शेयर फिर वहीं का वहीं जहाँ से शुरू हुई थी कहानी। सो जब तक स्टेबल नंबर नहीं आएंगे, ग्रोइंग नंबर नहीं आएंगे, प्रॉफिटेबल नंबर नहीं आएंगे, डिविडेंड पे ऑफ्स बेटर साइड पे नहीं होंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। सो फंडामेंटल ट्रैक करते हो अगर आप, और आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग टर्म स्टोरी है इसमें, अच्छी डिमांड आएगी, UPI की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, सब बातें अपनी जगह हैं, तब तक जब तक फिनेंशियली नंबर सपोर्टिव ना हो, एक बार वो मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम खेल रहे हो तो फिर कोई भी मोमेंटम मिले, तेज़ी आए, उसका इस्तेमाल करिए और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए। बट हमेशा जब तक यहाँ पर नंबर सपोर्टिव नहीं, यही नहीं इवन Zomato एंड PB फिनटेक में भी यही सेम चीज़, जब तक नंबर सपोर्टिव नहीं है तब तक आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी वहाँ कभी ड्राइव नहीं होते हुए दिखाई पड़ेगी। सो हर तेज़ी में एग्जिट आ रहा है, कोई ना कोई स्टॉक बेच रहा है, कोई ब्लॉक आ रहे हैं, ये सब खबरें चलती रहती हैं यहाँ पर। सो इनका ज़रा ध्यान रखना, और जब तक प्रॉफिटेबल ना हो कंपनियाँ तब तक स्टेबल कॉल लेना इनके ऊपर बड़ा मुश्किल है। सो आप उसको देख लेना,
और हिसाब से लेना रणनीति। आरबीआई का रिसेंट स्टांस भी इनके अगेंस्ट में था, वो 50,000 से नीचे के लोन वाला, वो भी इनके लिए थोड़ा विकट पड़ के गया, जिसका भी इम्पैक्ट है और स्टॉक में तेज बिकवाली देखने को मिली तब से लेके अब तक। मेन रीजन फॉर आयरेडा 30 से 100, मतलब ये उम्मीद थी कि 30 से 100 हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड थी आईपीओ मार्केट में इसकी, और करीब करीब 30 रुपये में जब लिस्टिंग हुई तो वैल्यू भी अच्छी थी, 8 के मल्टीपल स्टॉक लेके आए थे लोग और अच्छी वैल्यू को बाजार ने वैल्यू दिया भी, लेकिन वो धीरे धीरे वैल्यू ओवर वैल्यू बन गया, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले के ज़माने में ये जब आया था तब पीएफसी आरईसी के सामने सस्ता था, अब पीएफसी आरईसी इसके सामने सस्ते हैं, सो वैल्यूएशन वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, बट अदरवाइज उस समय पर ये सस्ता दिखाई पड़ रहा था इसलिए बाजार ने इसको वैल्यू दी थी। अब हो क्या रहा है, अब लोग कह रहे हैं पीटीसी फाइनेंशियल सस्ता है, लोग कह रहे हैं आरईसी पीएफसी सस्ता है इसलिए चल रहे हैं वो सब, लेकिन मतलब पहले सस्ती चीज़ महंगी हो जाए फिर महंगे से आप सब कुछ कंपेयर करो, ये लॉजिकल कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए अभी तो कुछ भी हो रहा है वाली सिचुएशन है। बट अब जिनके पास भी हैं और जिनको बहुत रीजनेबल प्रॉफिट आ रहा है वो एटलीस्ट अपनी कैपिटल निकाल लें, और मुफ्त के शेयर को साथ वो बने रहना चाहते हैं थ्रू आउट लाइफ वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर लें यहाँ पर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए भी किया हुआ है, मल्टीपल लॉट्स आपके पास हैं, तो एक आध लॉट बेच के अपना कैपिटल फ्री करा लें और उसके बाद जो है आप बचे हुए पोजिशन के साथ होल्ड कर सकते हैं इसे। LIC, IRCTC, वेदांता आर गुड टू होल्ड और एग्जिट। तो अनिल जी, वेदांता में तो आज कुछ न्यूज़ फ्लोज की खबरें हैं, देखिए शाम को क्या अपडेट आता है, कुछ बाजार में बातचीत है कि शायद कुछ अपडेट आता हो दिखाई पड़े यहाँ पर इनके डेट रीपेमेंट को लेकर। LIC अभी तो आप होल्ड करोगे ही क्योंकि इशू प्राइस से नीचे ही है और वापस स्टीम आनी शुरू हुई है, छोटी इक्विटी मतलब जिसका 97% फ्लोट अभी फ्रीज्ड है, 3% फ्लोट है बाजार में, सो अभी तो चलना शुरू हुआ है, बने रहो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी। और IRCTC में बहुत समय बाद इसमें तेज़ी आई है, 800 प्रीच कराया तो बेटर ये कि अभी तो आप बने रहो तीनों के अंदर, लेकिन पिक एंड चूज़ करना सही समय पर आकर ही कहाँ क्या लेना है कहाँ निकलना है। एंड आपने दोनों स्टॉक बहुत हायर साइड पे लिए हुए हैं, IRCTC भी एंड LIC भी, तो ज़रा उसको ध्यान रखना क्योंकि LIC की मार्केट कैप 4-4.5 लाख करोड़ है, अगर इन केस ये यहाँ से और बढ़ता है 1200-1300 की रेंज में कहीं जाता है तो इसकी मार्केट कैप कहीं 7-8 लाख करोड़ की, 6-7 लाख करोड़ की रेंज में पहुँच जानी चाहिए। सो एक बार को इस चीज़ का ध्यान रखना, दो वैल्यूज़ कंपनी बहुत है LIC में भी, IRCTC कंपेरिजन ज़्यादा ही है, लेकिन बाजार ने भी दी नहीं है तो मिलनी तो चाहिए वैल्यू उसको, लेकिन आप अभी होल्ड करो एंड टाइमली नंबर्स को रिव्यू करते रहना अपने। ओके, आगे बढ़ते हैं, और SRF चलेगा या नहीं? मनीष सर चलेगा या नहीं, ऑलरेडी एक बार बहुत चल चुका है, आप अगर नहीं ध्यान दे चुके हो तो एक साल के नंबर उठा के देख लो, ज़्यादा अच्छा आइडिया आपको आएगा, लेकिन उसके बाद ये साइकिल में फंस गया, बहुत समय से एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, एंड अगेन केमिकल साइकिल थोड़ी स्टेबल हुई है, सो वेट कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये साल जो अपकमिंग ईयर है ये केमिकल के नाम होना चाहिए आइडियली, लेट्स सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटने के साइन तो नहीं है यहाँ से, सो होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, बट बहुत चला है तो थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, बट इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज टू ओन, आप समय दे सकते हो और बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या नानी एनर्जी में एंटर कर सकते हैं? तो मोमिन सर, अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है और अगर आप को लग रहा है कुछ अदानी में ख़रीदना चाहिए तो हाँ कर सकते हो, और जो ये डिप आ रहे हैं बड़े बड़े, किसी दिन 10%, किसी दिन 5%, किसी दिन 6%, ऐसे बड़े डिप जो हैं इनका इस्तेमाल करिए, थोड़ा थोड़ा पोजीशन ऐड करते चलिए यहाँ पर, और अगर किसी के पास है और ऊपर की एवरेज है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एवरेज भी कर सकता है, आप आराम से उसको होल्ड भी कर सकते हो, अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ASM में जाने की वजह से पूरा स्टॉक पूरा ग्रुप नीचे है, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी ट्रांस, सो मतलब अदानी ट्रांस एनर्जी जो है, लेकिन नंबर्स में ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है, सो एकदम से तेज़ी आई थी तो उसके ASM में डाल दिया गया, इसलिए अब दायरे में कामकाज कर रहा है, ASM से वापस निकलने के बाद वापस सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, सो बेटर इसके अभी तो होल्ड करो आप एंड वेट एंड वॉच कैसे नंबर्स कामकाज करते हैं, ये क्वार्टर का नंबर देखना Q3 के, अगर नंबर पिकअप आता है तो वापस रिएक्शन आ जाएंगे स्टॉक्स में, लेकिन एज ऑफ नाउ हाँ, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। SIP NewGen, आई डाउट सर, SIP NewGen, NewGen टेक उस तरह का स्टॉक नहीं, इसमें आप SIP करो, SIP हमेशा उन स्टॉक में करना जहाँ सस्टेनेबिलिटी हो, NewGen अभी आई हुई कंपनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन प्रूफ तो करने दो कुछ समय के लिए,
आप SIP करना चाहते हो तो उन कंपनियों में जाओ, जब TCS है, HCL है, टेक महिंद्रा है, इवन L&T इन्फोटेक माइंडट्री है, ये पड़े हैं SIP के लिए, इनको आप नहीं ऑप्ट कर रहे हो, तो न्यूजन सॉफ्ट में ऐसा क्या हो रहा है जिनको SIP के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो? सो लॉन्ग टर्म में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपके बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, उनको जा सकते हो। न्यूजन के लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, इसे चला था, इस बारी के नंबर देखते हैं कैसे रहते हैं, बट अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू सी एनीथिंग लाइक दैट। अभी आप फिलहाल बने रहो अगर आपके पास है, लेकिन SIP के लिए ये स्टॉक सही नहीं है। शुड वी अप्लाई फॉर SME's IPO आफ्टर हैविंग फाइनेंशियल डिटेल्स? रूल्स आर सेम फॉर SME IPO, ऑल दीज आर ट्रेडेड लॉट्स, ओनली हैव टू बाय एंड सेल इजिली। तो सिंह साहब देखो, आपका मुझे नहीं पता कि आप बाजार को कितना जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग आते हैं, कुछ F&O ट्रेडर भी होते हैं, कुछ न्यू इन्वेस्टर भी होते हैं, तो मैं SME की सलाह कभी नहीं दूंगा किसी को भी जाने के लिए तब तक जब तक आप बहुत अच्छे से उस कंपनी के बारे में जानते नहीं हो। बहुत सरल तरीका बताता हूँ, 1 करोड़ का मान लीजिए कंपनी IPO लेके आती है, जो आते ही SME में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के IPO आते हैं, तो सर मान लीजिए 1 करोड़ का IPO लेके आती है, 1 करोड़ के IPO को सब्सक्राइब करना किसी भी ब्रोकर के लिए इस 5 मिनट का काम, मैक्स 5 मिनट में IPO सब्सक्राइब हो सकता है, 1 नाम से, 2 नाम से, 5 नाम से, 15 नाम से, हर तरीके से हो सकता है सब्सक्राइब, जैसा आप चाहोगे। इतनी ईजिली वो मैनिपुलेटिव है कि आप उसको एज ईजिली जैसा चाहो मैन्यूवर कर सकते हो, और क्योंकि अभी उसके रेगुलेशन इतने स्ट्रांग हैं नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। सर्किट गोज़ अप, सर्किट गोज़ डाउन होगा, आप कहाँ फंसोगे, कितना फंसोगे, एक बार पैसा बना ले गए, दूसरी बार और ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे, तीसरी बार और ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे, और एक बार में सारा हाथ जला डालोगे। तो जब प्राइमरी मार्केट आपको इतनी पसंद अगर आ रहे हैं बाजार, शेयर बाजार, तो शेयर बाजार आपके पास इतना ही पैसा है, तो इसे इधर अपने मेन बोर्ड में SME IPO में डाल लो। आपको और पैसा कम लग रहा है तो आप इतनी सारी कंपनियों में रोज ट्रेडिंग होती है वहाँ डाल लो। जो 7,000 कंपनियों में काम करके नहीं कमा पा रहे हैं, या 7,000 कंपनियों में काम करके आपको नहीं मज़ा आ रहा, SME में ऐसा क्या हो जाने वाला है? चलिए, आपको रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपका बहुत ज़्यादा है तो बात अलग है, आप पूरी तरह समझते हो इस चीज़ को तो बात अलग है, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, जिनको नहीं पता है, वो इसमें ना जाएं, क्योंकि हाईली मैनिपुलेटिव होती है। यहाँ पे अनुज ने एक बात बिल्कुल सही बोली थी कि यहाँ गोल्ड माइन भी है और बॉम्ब माइन भी है, तो आपके मतलब कौन से माइन पे पहर पड़ जाएगा किसी को नहीं पता, या तो गोल्ड लग जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। सो आप ध्यान रखना, उस हिसाब से ही पैसा डालना, यहाँ पर बहुत रिस्की बेट है, सो पिक एंड चूज अकॉर्डिंगली। ग्रीव्स कॉटन एथर में ग्रीव्स इज बेटर, और दोनों में ज़्यादा बेटर ग्रीव्स है, लेकिन अगर EV स्टोरी को प्ले करना, सोना BLW इज बेस्ट सो फार। TVS मोटर बने रहो मनीष सर, अगर आपके पास है तो, और अगर मतलब समय दे सकते हो तो ज़्यादा अच्छा, अपसाइड और शायद यहाँ खुलता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। चलिए, कुछ सवाल अब मैं उधर से भी ले लेता हूँ जो YouTube से आ रहे हैं। होल्ड और सेल एक्शन कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रो स्टील? अभी तो होल्ड करो अमन सर, इलेक्ट्रो स्टील तो ये वेदांता की खबर अगर आ जाती है तो शायद अपमूव और कंटिन्यू रहना चाहिए, बट अगेन दोनों में आप एक्शन कंस्ट्रक्शन में तेज़ी रह सकती है, और भी आप टाइम दे सकते हो, वहाँ पे प्राइस भी आपका नीचे का है, तो आप होल्ड करो। और इलेक्ट्रो स्टील में भी मोमेंटम है, तो थोड़ा तेज़ी का इस्तेमाल करके एटलीस्ट कैपिटल निकाल लेना अपनी, और एक्शन कंस्ट्रक्शन में आप समय दे सकते हो, 30% कैपिटल निकाल लेना, लेकिन बाकी के साथ आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सेफ एक्शन कंस्ट्रक्शन है दोनों में। आई हैव तानला प्लेटफॉर्म 810, कैन आई होल्ड दिस फॉर 2-3 ईयर्स? सर युगल सर, आज तो बढ़िया चला, अपर सर्किट भी लग गया इसमें, अभी तो आप होल्ड ही करो और मोमेंटम को चेज करो, बट एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक है पिछले डिकेड में। सो मल्टीपल टाइम्स बढ़ाए, 500 टाइम्स समथिंग लाइक दैट, वो नंबर मैं भूल गया हूँ, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद जब गिरावट आती है तो वो भी तेज़ आती है, या अनवाइंडिंग भी होती है तो तेज़ होती है, ये नहीं कहता आज जाएगी, अगर आई तो। सो इसीलिए सेफेस्ट इज़ 800 रुपये पर आपकी खरीदारी है, आप होल्ड करो, 1600-1700 दिख जाए, डबल हो गया, पैसा बन गया, आधा पैसा निकाल लो, फ्री का शेयर छोड़ दो, थ्रू आउट लाइफ रख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पर ऐसे मोमेंटम आते हैं ना, वाइल्ड स्विंग्स जहाँ आते हैं, वहाँ वाइल्ड स्विंग का सही तरीका ये होता है कि एटलीस्ट अपनी कैपिटल बचा लो हर तरीके से, इस बाज़ार में मिड कैप स्मॉल कैप में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, उसके बाद आप कहीं भी पैसा डालो, ज़्यादा बेटर है। तो पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्शन, उसके बाद आप जो मर्जी पोजिशन ले कर रखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया इज़ गुड टू बाय, QIP का बहुत अच्छा डिमांड आया था और एक अच्छी वैल्यू भी है, ले सकते हो, थोड़ा समय भी लग सकता है चलने में, लेकिन ठीक है वैसे, अदरवाइज वैल्यू वाइज बैंक ठीक है। आप PSU बैंकिंग में ढूंढ रहे हो तो बैंक ऑफ इंडिया, इवन JNK बैंक चल गया थोड़ा, एंड PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर है,
मतलब नॉट एज गुड एज बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द बेस्ट ऑब्वियसली, तो आप इनमें से कोई भी नाम ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन सो फॉर वैल्यू वाइज बैंक ऑफ इंडिया इज द सेफेस्ट. आई वॉन्ट स्विच फ्रॉम EID 10% प्लस इंडियन बैंक अंबुजा. मैं समझ नहीं पाया सर आपका सवाल. EID स्विच करना चाह रहे हो तो कहाँ जाना चाह रहे हो? मैं मतलब आप सूरज जी दोबारा रिपोर्ट्रेट कर दो सवाल तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा मुझे. मेरे पास अदानी के टोटल के 340 शेयर हैं, 544 रुपये ट्रांस के 340 शेयर हैं 765 में, इनमें क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? रोज़ गिरता जा रहा है. तो खान साहब रोज़ चलता भी जा रहा था, जब आपने ख़रीदा था 764 में वो चला नहीं, वन फाइन डे दो दिन अपर सर्किट लगे 20-20% के, तो आप ऐसे समझो 760 रुपये का शेयर 1225 गया और 1225 रुपये शेयर टूट के 1000 रुपये आया, अभी 1030 तो भी 200 रुपये टूटा है, लेकिन चला 600 रुपये या 500 रुपये. तो अभी ऐसा कोई रोज़ गिरता नहीं जा रहा है, इनफैक्ट वहाँ से तो ऊपर ही है जहाँ से चलना शुरू हुआ, एक ही महीने में सारी एक्टिविटी हुई है ये. सो अभी मेरे ख्याल से तो आप बने रहो, स्टेबल है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं हो. शायद आपका नाम दोबारा पता नहीं देख पाओ ना देख पाओ, लेकिन अगर देखो तो आप फर्दर ऐड भी कर लेना उस टाइम पर और होल्ड करो. आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ बेच के नीचे ले लूँगा, पता नहीं नीचे जाए या ना जाए यहाँ से, लेकिन एक ही चीज़ है कि स्टॉक प्राइस क्या रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में ये आपको पता होना चाहिए. सो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा आप ऐड कर सकते हो, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है आपको लगता है आपकी एपेटाइट नहीं है, कैपिटल नहीं है, ऊपर थोड़ा हल्का कर लो, वेट कर लो, कैश नीचे आए फिर आए ऐड कर लेना. सो वो अब आप डिसाइड करो, बट सो फार अदानी ट्रांस इज़ गुड टू होल्ड. अदानी टोटल में आप थोड़ा थोड़ा पैसा चाहे ऊपर ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर सर्किट लगा था, दो तीन सर्किट बैक टू बैक लगे और नंबर सपोर्टिव उतने नहीं इतने ट्रांसपोर्ट और पावर के हैं. सो एक बार को वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा ले सकते हो, लेकिन ट्रांस को होल्ड कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्क नहीं लग रहा मुझे अभी. वर्लपूल एंड टाटा केमिकल SIP फॉर लॉन्ग टर्म. टाटा केमिकल इज़ गुड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म अरूप सर, नॉट इवन SIP बल्क फॉर लॉन्ग, यू नो इन बल्क एज वेल. बल्क एज इन ऐसा बल्क नहीं कि आप एक बार में सीधे हज़ार शेयर लेने शुरू हो गए, मतलब अगर आपका SIP आप 5-5% करते हो तो SIP अब आप 20-20% कर सकते हो, ये आप मान लो, मतलब SIP बल्क कर सकते हो थोड़ी सी, स्टेप अप से कहते हैं, स्टेप अप SIP कर सकते हो, क्योंकि टाटा ग्रुप में कोई वैल्यूएशन में सबसे सस्ता स्टॉक है तो वो टाटा केमिकल ही है. 18 के मल्टीपल पे 17 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और केमिकल साइकिल अभी डाउनवर्ड साइड पर है. सो और ये कंपनी ख़राब नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है. सो अगर कहीं नीचे की तरफ और मिलता जाएगा तो जिसकी गुंजाइश कम है कि यहाँ से बहुत नीचे जाएगा, सो थोड़ा 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 ऐड करने के लिए SIP इज़ बेस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा इसलिए बड़ी SIP इज़ बेस्ट, तो आप उसका इस्तेमाल करके एक बार को एंटर कर सकते हो यहाँ पे. जतिंदर जी का सवाल है, इज़ इट ट्रू दैट एवरी स्टॉक गोज इनटू कंसोलिडेशन आफ्टर बायबैक? समटाइम्स यस, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक बिटवीन गिविंग बोनस शेयर विज़ावी बायबैक. तो सर देखो, बायबैक ये कैश रिजर्व्स को इस्तेमाल करने का तरीका होता है दोनों केसेस में, बायबैक में भी और वो स्पेशल डिविडेंड भी इवन या डिविडेंड्स भी इवन. सो बायबैक के केस में प्रमोटर को अगर पैसा चाहिए होता है, मान ली मेरी कोई कंपनी है और मैं अपनी कंपनी के शेयर को से पैसा लेना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी से प्रमोटर पैसा लेना चाह रहा है, जो टाटा सन्स में हुआ, टाटा सन्स को पैसा चाहिए था TCS से, क्योंकि TCS कैश का हुआ है, वो पैसा जनरेट करती रहती है हर साल, 30-30 हज़ार करोड़ रुपये हर साल जनरेट कर लेती है. तो इस तरह का कैश जनरेट कोई कंपनी कर रही है तो उस तरह के कैश को कैसे इस्तेमाल करे प्रमोटर, वो अपने शेयर को बायबैक में दे देता है. तो बायबैक में टाटा सन्स अपने शेयर देगा और TCS उसे बाय कर लेगा. TCS ने बायबैक किया, बायबैक करके TCS ने उसके बदले में पैसा पहुंच गया प्रमोटर के पास, वो शेयर धीरे धीरे सिस्टम से निकल जाते हैं. अब उसी पूरे प्रोसेस का हिस्सा रिटेलर भी बनता है, नहीं हम भी बनते हैं, हम भी अपने शेयर टेंडर कर देते हैं. हमारी लिमिट तय होती है कि 2 लाख के आसपास के जो SEBI का नॉर्म है, 2 लाख के शेयर होल्डर जो होते हैं वो रिटेलर में आते हैं. सो 2 लाख वाले रिटेलर जो हैं वो भी अपने शेयर टेंडर करते हैं, इसको आप एक्सेप्टेंस रेशियो समझते हो, तो वहाँ पर भी रिटेलर पार्टिसिपेट करने लगता है. पहले कम करता था तो रेशियो ज़्यादा बेटर होता था, अब ज़्यादा होने लग गया तो रेशियो धीरे धीरे कम हो गया एक्सेप्टेंस का. ये एक तरीका है जिसमें आप शेयर अपने बायबैक में दे देते हो, ये बायबैक है. बोनस है कि इसमें इक्विटी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन अर्निंग्स के ऊपर मतलब EPS से कोई खास इम्पैक्ट उसका आप मानते नहीं हो. मतलब बोनस में जैसे कुछ ब्रोकर्स को या कुछ कंपनियों को मैं जानता हूँ जिनकी इक्विटी साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन वो विद टाइम बोनस दे दे के इक्विटी बड़ी कर लेते हैं. उसमें इक्विटी छोटी होती है, यहाँ इक्विटी थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उनको शेयर देने होते हैं फंड्स को, या बड़े बड़े होल्डिंग जो ये ब्रोकर्स होते हैं ये मांगते हैं
शेयर और आपके शेयर है नहीं देने के लिए, तो आप उसका फ्लोट बढ़ा देते हो। फ्लोट इसलिए बढ़ा देते हो ताकि आप पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ा पाओ। उसका स्टॉक प्राइस पे नियर टर्म में तो कोई इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि भाव उतने एडजस्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आप होल्ड करते हो तो उसका इंपैक्ट आपको दिखता है। सो ये दो मेजर डिफरेंस है, बाकी बहुत सारे टेक्निकल और भी डिफरेंस है, आप कभी मिलोगे रूबरू तो बता भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतने समय में इतना ही समझा पाऊंगा, तो आप मोटा मोटा मान लो। लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बेनिफिशियरी होते हैं, तो रिटेलर के लिए तो आप अगर मिल रहा है बायबैक या बोनस उसका इस्तेमाल करिए और बने रहिए। वन टू हर कंपनी में नहीं। सो बायबैक कुछ कंपनियों में प्रमोटर एग्जिट के लिए होता है, कुछ कंपनियों में शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए होता है। सो पेटीएम के और टीसीएस के बायबैक को पढ़िएगा, आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। मनी लिमिटेड एंड शेयर इतनी सारी, हाउ टू मैनेज फॉर लॉन्ग टर्म, त्रिपाठी सर सबके साथ है, मनी का कोई लिमिट नहीं होता, दिस मनी इज नंबर, नंबर नेवर एंड्स। तो ये तो मतलब ही नहीं है, आप हो या मैं हूँ या इवन द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, उनकी भी मनी कमी है। सो उनके हिसाब से ऑब्वियसली, तो ये तो अब मनी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट मनी नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है टाइम। आपके पास पैसा कम है, वो कल बढ़ भी सकता है, लेकिन टाइम अगर आज ही है या टाइम आपके पास लिमिटेड है, आप 60 साल में वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 20 साल में कर सकते हो। सो यूज़ टाइम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इंस्टेड ऑफ मनी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पैसा कम डालना चाह रहे हो या कम पैसा है आपके पास किसी अच्छे शेयर में डालना चाह रहे हो, आपका रिस्क एपेटाइट कम है और पैसा कम है वैसे ही, तो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो गो विद लार्ज कैप। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसा चला जाए, तो गो विद मिड कैप, नॉन मिड कैप। अगर आपको लगता है नहीं मैं पूरा मेरा पैसा स्पेयर है और मैं इसको आराम से आई कैन टेक रिस्क, गो फॉर स्मॉल कैप। तो ऐसे करके आप चर्न करोगे पैसे को एंड टाइमली कीप ऑन चर्निंग टू इंक्रीज इट और कीप ऑन टेकिंग आउट योर कैपिटल एंड कीप ऑन री इन्वेस्टिंग इट। तो उससे आप एटलीस्ट क्या होगा, आपका कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। 100 रुपये था, डाला 200 हुआ, निकाल लिया 100, फिर 100 के शेयर छोड़ दिए, 100 और दूसरे नए शेयर में डाला, उसको बढ़ने दिया। सो ऐसे करके आप री इन्वेस्ट करते रहो, कैपिटल बेस बढ़ जाएगा, तो ऐसे करके कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट इज नॉट टाइम मनी, इंपॉर्टेंट इज टाइम। आप जितना समय देते हो बाजार को, बाजार उतना पैसा आपको बना के देगा। अब कितना समय देते हो ये क्रूशियल है, और किस में देते हो, मतलब आमतौर पर धारणा ये है कि लोग लॉस में ज़्यादा समय देते हैं, प्रॉफिट में कम। तो कोई पोजीशन फंस गई अगर कई सालों के लिए, तो आप बैठे रहोगे से लेके, लेकिन कई पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो आप नहीं बैठ सकते कई सालों के लिए। सो एक झटका आपको लगेगा वहीं नीचे ना आ जाए। सो इसीलिए इसका ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली कॉल लेना। ओके, वापस लौटते हैं अब और कुछ सवालों को लेकर भी। नेटवर्क 18 सौरभ जी, मतलब जिस चैनल में मैं हूँ उसी का ही स्टॉक है, तो पहले तो डिस्क्लेमर, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि सारी मीडिया हाउसेज में, मीडिया चैनल में पैसा बनता है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। स्टॉक मार्केट के लिहाज से कंपनियाँ अपना काम करती हैं, लेकिन रेवेन्यूज़ हैं, बिजनेस अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह है, बट स्टॉक प्राइस के लिहाज से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी वहाँ नहीं होती है। सो आप मोमेंटम चेज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी स्टोरी प्ले करना चाह रहे हो, सो यू हैव टू पिक एंड चूज़ अदर सेक्टर्स, अदर कंपनीज। वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी लॉस दिखेगा बार बार। ये चलते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब है, चीज़ खराब नहीं है, सब अच्छा है, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर, ओन्ड बाय बिग हाउसेस, एवरीथिंग। बट एक ही इशू है कि स्टॉक प्राइसेस के केस में यहाँ मोमेंटम को आप कैच कर लो तो बात अलग है, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए दूसरे सेक्टर बने जिनको आप प्ले कर सकते हो। L&T होल्डिंग होल्ड करिए जैन साहब, अगर आप इतने सालों से होल्ड कर रहे हो और आप होल्ड कर सकते हो। और गौरव जी, आपने कि L&T फिनेंस होल्डिंग लिया है, मैं सजेस्ट करूंगा L&T ग्रुप की बाकी दोनों भी ले लेना, आपकी एज के हिसाब से बहुत अच्छा है। L&T इन्फोटेक माइंडट्री भी और लार्सन एंड टू ग्रो भी, ये तीनों कंपनियां आप आराम से होल्ड करो फॉर लाइफ, यू वोंट रिपेंट, इतना मैं आपको कह सकता हूं। आप आराम से यहां पे समय दे सकते हो, लेकिन एवरेज वे में लेना, थोड़ा 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 फॉल में ऐड करते जाना। एक लॉट अभी ले लो, भले ही बड़ा लॉट ले लो यहाँ पर अभी, लेकिन हर लॉट उसके बाद थोड़ा 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 ऐड करते रहना, वो आपको एज देगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी शाम 5:30 बजे इधर या कल इसी समय पर इस जगह पर। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है, और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आप 3:30 बजे या 5:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। नमस्कार।